क्या तुम्हें पता है मैं ये टेबल्स क्यों याद रख रही हूँ? ऐसे ही मेमोरी को तेज किया जाता है। अगर आप ठीक से अपनी मेमोरी को ट्रेन नहीं करेंगे तो देखिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अलीबाबा। एक वक्त की बात है, मिडिल ईस्ट में दो भाई रहा करते थे, कासिम और अलीबाबा। और भले ही ये सुनने में अजीब लगे, बड़े भाई को विरासत में सब कुछ मिला, एक मिल, एक डोंकी और कैट भी। और छोटे भाई को विरासत में कुछ भी नहीं मिला। अलीबाबा ने अपना सिर खुजाया और खुद से कहा, मेरा बड़ा भाई अमीर है, पर वो मुझे कभी हलवे का एक निवाला या शरबत का एक घूंट भी नहीं देगा, इसलिए मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। अलीबाबा बस सोचता ही रहा और आखिरकार एक दिन उसे एक कमाल का आइडिया आया। मैं जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगा, उन्हें बाजार में जाकर बेचूंगा और उन पैसों से अपने लिए एक तंदूरी नान खरीदूंगा। तो अलीबाबा जंगल में गया और वहाँ चलते हुए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। अचानक उसे कुछ सीटियों और अजीब चलने की आवाजें सुनाई दी। अलीबाबा डर गया और बोला, मैंने जंगल के भूतों को गुस्सा दिलाया होगा, पर वो कोई गुस्से वाले भूत नहीं, बस कुछ मामूली चोर थे। वो 15 लोग थे और उन्होंने एक खजाने का बक्सा उठाया हुआ था। और उन डरावने पायरेट्स के कैप्टन ने, नहीं मेरा मतलब उन डरावने चोरों के सरदार ने कहा, खुल जा सिम सिम। सब कुछ हिलने लगा जैसे कि कोई भूकंप आया हो। और फिर पहाड़ी में बनी गुफा का खुफिया दरवाजा खुल गया। वो चोर बड़ी तेजी से खजाने के बक्से को गुफा में ले गए ताकि कोई उन्हें देख ना ले। ऐसा बस उन चोरों को लगा था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा। पर अलीबाबा को यूं ही सबसे अच्छा स्टूडेंट नहीं कहते थे, उसने सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया था। तो जैसे ही चोर गुफा से निकल गए, अलीबाबा झाड़ियों के पीछे से निकला और उसने कहा, खुल जा सिम सिम। और इस तरह वो जा पहुंचा उस जादुई गुफा के अंदर। वहां अंदर तरह तरह की अच्छी अच्छी चीजें थी। सबसे पहले कमरे में उसे मिले चांदी, सोना और ढेर सारे हीरे मोती। दूसरे कमरे में उसे मिले तरह तरह के खिलौने, टी सेट्स वाली डॉल्स, बाइक पर बैठे हुए भालू, एक बड़ा हाथी और प्यारी प्यारी किटीज भी। अलीबाबा कुछ देर तक ट्रेन सेट से खेला और फिर वो तीसरे कमरे में चला गया। और वो कमरा भरा पड़ा था सुंदर कपड़ों से। वहाँ थे बॉल गाउन्स, तरह तरह की स्कर्ट्स, चमकीले हीरो वाली शर्ट्स और सुंदर पिंक जूते। उन पर बने थे बड़े ही प्यारे फूल और की गई थी सुंदर कढ़ाई। अलीबाबा ने वो जूते पहनने का फैसला किया। अचानक उन जूतों ने उसे ऊपर हवा में उठा दिया और अलीबाबा उड़ने लगा। अलीबाबा ने दरवाजे से कहा, खुल जा सिम सिम। वो उड़ते हुए गुफा से बाहर आया और अपनी लकड़ियाँ उठाई। इन जूतों के साथ तो मैं पलक झपकते ही लकड़ियों को बाजार तक पहुँचा दूंगा। अलीबाबा ने बाजार में वो लकड़ियाँ बेच दी और अपने लिए एक तंदूरी नान खरीद लिया। तभी अचानक ही उसका भाई कासिम वहाँ आ पहुँचा। तुमने ये तंदूरी नान कैसे खरीदा, जरा मुझे बताओ तुम्हें इसके लिए पैसे कहाँ से मिले? अलीबाबा को मजबूरन अपने भाई कासिम को जंगल और वहाँ उन चोरों के खुफिया खजाने वाली गुफा के बारे में बताना पड़ा। और उसने अपने भाई के लिए एक कागज पर वो जादुई मंत्र लिख दिया ताकि वो उसे भूल ना जाए। कासिम फौरन ही खुफिया दरवाजे के पास गया और कागज को पढ़कर बोला, खुल जा सिम सिम। और वो खजाना लेने के लिए अंदर चला गया। पर अपनी जल्दबाजी में उसने वो कागज कहीं गिरा दिया। उसने अपने थैले में इतना खजाना भर दिया था कि वो मुश्किल से उसे दरवाजे तक ला पाया था। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, बिपटी बॉपटी बू, चल दरवाजे अब खुल जा तू। फिर कासिम ने दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा फिर भी नहीं खुला। फिर कासिम उस पर अपना सिर पटकने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया और दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा था चोरों का सरदार। तुम मेरे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो बदमाश? मैं बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने वाला जादुई मंत्र भूल गया, कासिम ने सरदार से कहा। तुम्हारी मेमोरी इतनी कमजोर क्यों है? चोरों के सरदार ने पूछा। तुम्हें उसे ट्रेन करना होगा। मैं तुम्हें याद करने के लिए कहानियों की किताब दे रहा हूँ ताकि सोते वक्त तुम मुझे एक कहानी सुना सको। जैसे ही तुम मुझे सारी कहानियाँ सुना दोगे मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, पर तब तक लालची आदमी तुम यहाँ मेरे कैदी बनकर रहोगे।
तो अपनी ना समझे की वजह से कासिम को उसी गुफा में रहना पड़ा। मुझे ठीक से नहीं पता कितने दिनों तक, पर कहते हैं वो वहाँ था 1000 दिन और 1001 रातों तक। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, अपनी मेमोरी को ट्रेन करो और मुसीबत से बच कर रहो। वेल वेल वेल, तुम अंदर बैठे हो, तुम ये भी नहीं जानते कि सर्दियाँ आ गई है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। शायद तुम दोनों फादर फ्रॉस्ट के बारे में भी कुछ नहीं जानते होगे। ठीक है, चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है, एक औरत थी जो बहुत ही मतलबी थी। फादर फ्रॉस्ट। और उसकी दो बेटियाँ थी, एक उसकी अपनी थी और दूसरी उसकी अपनी नहीं थी, मतलब उसकी सौतेली बेटी। वो औरत अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसे फल और कैंडीज देती थी, पर उसकी बेटी कभी किसी चीज से खुश नहीं होती थी। उसे बिस्किट्स में कोई स्वाद नहीं लगता था, कैंडी मीठी नहीं लगती थी और उसकी डॉल्स प्यारी नहीं लगती थी। पर सौतेली बेटी उसे एकदम अलग थी, हमेशा अच्छी और खुश रहती थी और हमेशा घर का सारा काम भी वही करती थी। पर फिर भी उसकी सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी और फिर एक दिन वो उसे दूर जंगल में ले गई और उसे वहीं पर छोड़ दिया। वो बच्ची पेड़ के पास ठंड में कांपती हुई खड़ी थी। अचानक उसने ओल्ड विच को ऊपर से गुजरते हुए देखा और उसके पास आकर रुक गई। तभी फादर फ्रॉस्ट पेड़ के पीछे से बाहर आ गए। क्या तुम इस बच्ची को परेशान करने यहाँ आई हो? पर ओल्ड विच ने उनसे कहा, आप जानते हैं मैं जमी हुई लड़कियाँ नहीं खाती हूँ, जरा उसे देखिए, उसकी तो कुल्फी जमती जा रही है और वैसे भी अभी मुझे जुकाम हुआ है। आपने हर तरफ इतनी बर्फ फैलाई है कि मेरे घर वाले मुर्गी के पैर भी जमीन के अंदर जम गए हैं। मैं उसे घूमने के लिए कहती हूँ पर वो नहीं मुड़ पाता। ओह ठीक है, अब चले जाओ यहाँ से। जाओ, कल तापमान थोड़ा ज्यादा होगा और आसमान खुला रहेगा। उन्होंने वो ऐसा कहा जैसे टीवी पर कहते हैं, तब जब कोई मौसम की जानकारी देता है। खैर, तो वो ओल्ड विच सवारी में बैठी और अपने घर की ओर चली गई। फिर फादर फ्रॉस्ट नन्ही बच्ची के पास आए और उसे एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है मेरी प्यारी बच्ची? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फादर फ्रॉस्ट, उसने उनसे कहा। तो फादर फ्रॉस्ट ने देखा कि वो बच्ची बड़ी ही प्यारी और नेक दिल है, इसीलिए उन्होंने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया। इसीलिए वो उसे अपने आइस पैलेस में ले आए और कहा, मेरे पंखों से भरे कंबल पर उछलना और पंख उड़कर बाहर निकलेंगे और पृथ्वी पर बर्फ गिरेगी। अगर तुम पैलेस की सफाई करोगी तो सूरज बाहर निकलेगा और अगर तुम अपने सारे काम पूरे करोगी तो मैं तुम्हें अनाम दूंगा। नहीं, मैं नाम दूंगा, नहीं, मैं नाम दूंगा। मैं भूल गई उन्होंने क्या कहा था। फ्यू, याद आ गया, इनाम दूंगा। और वो बच्ची सब कुछ इतनी अच्छी तरह कर रही थी कि फादर फ्रॉस्ट उसके काम से बहुत खुश थे। उन्होंने फैसला किया उसे एक इनाम देने का, मेरा मतलब इनाम देने का। तो वो उसे जंगल की एक खुली जगह पर ले आए जहाँ 12 महीने आग के आसपास जमा हुए थे। उन सभी ने उसे तोहफे दिए। बसंत के महीनों ने उसे फूलों की एक बड़ी टोकरी दी। गर्मी के महीनों ने उसे दिए बेरीज और मशरूम्स। पतझड़ के महीनों ने उसे दी आलू से भरी हुई बोरी और एक और चीज जो वो इकट्ठा करते हैं। ओह याद आया, पत्ते। और फादर फ्रॉस्ट और सर्दी के महीनों ने मिलकर उसे दिए 3 सफेद घोड़े, एक स्ले, एक क्रिसमस ट्री और एक अलमारी में भरे सुंदर नए कपड़े। बच्ची वापस अपने घर आ गई, सेहतमंद और अमीर होकर। जब सौतेली माँ ने उसे देखा तो उसने उससे पूछा, तुम ये सारी चीजें कहाँ से लाई? उसकी सौतेली बेटी नेक दिल थी, उसने आलू की बोरी को कोने में रखा और उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर वो मतलबी औरत अपनी बेटी को उठाकर उसे जंगल में छोड़ आई। वो पेड़ के पास बैठकर बड़बड़ाते हुए बस अपनी बिस्किट्स खाए जा रही थी। वो हर तरफ उनके टुकड़े गिरा रही थी, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर फादर फ्रॉस्ट पेड़ के पीछे से बाहर निकले और उन्होंने उसे पूछा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है मेरी प्यारी बच्ची? तुम बूढ़े और बुद्धू हो, तुम्हें दिखता नहीं मुझे ठंड लग रही है, चलो जल्दी से मुझे मेरे तोहफे दो। फादर फ्रॉस्ट वहीं बर्फ में बैठ गए और उन्होंने उसे फिर से पूछा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है मेरी प्यारी बच्ची? वो लड़की गुस्से से खड़ी हो गई, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं जम जाऊं? जल्दी से मुझे मेरे तोहफे दो। फादर फ्रॉस्ट उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उसे बना दिया एक स्नो गर्ल।
अब उसे बसंत आने तक वहीं पर रहना था, या शायद गर्मी आने तक। और उसकी नेक दिल बहन क्रिसमस मनाते हुए सबको तोहफे बांट रही थी। क्यों, कमाल है ना? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, असली अच्छे और काम के तोहफे सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जो नेक दिल होते हैं और आलस नहीं करते। और अगर आपने कभी कोई बदमाशी और आलस की तो आपको कभी कोई तोहफा नहीं मिलेगा। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1, 2, 3 और 4, 5, 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।